उत्तर प्रदेश में जहां एक और 2022 विधानसभा चुनाव के सातवें चरण के प्रचार का शोर थम गया है। चुनाव आयोग और प्रदेश प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने की बात कर रहा है, तो वहीं कानपुर देहात में बीजेपी नेता की जमीनी विवाद के चलते निर्मम हत्या कर दी जाती है। कानपुर देहात में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष अमरेश त्रिपाठी की ट्रस्ट की जमीन पर हुए कब्जे के विवाद को लेकर बर्बरता के साथ हत्या कर दी जाती है। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमरेश त्रिपाठी का कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुखराया कस्बे में एक ट्रस्ट की जमीन पर पाल समाज के कुछ लोगों के साथ पुराना विवाद चला आ रहा था, जिसको लेकर देर रात विवाद इतना बढ़ गया कि बातों से शुरू हुआ विवाद हत्या में बदल गया। इस मामूली कहासुनी में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बीजेपी नेता की मारपीट की और हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे कस्बे में तनाव का माहौल पैदा हो गया। हत्या की सूचना पाकर हजारों की तादाद में घटनास्थल पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और नेता मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद तनाव इस कदर बढ़ गया कि हत्या की सूचना पर पहुंची भोगनीपुर थाने की पुलिस के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद बीजेपी के नेता की हत्या की सूचना पर आला अधिकारियों और कई थानों की पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भेजा और स्थिति को नियंत्रण करने के तमाम प्रयास करे, लेकिन 35 साल के युवा बीजेपी नेता की हत्या से जनपद में बीजेपी कार्यकर्ताओं में हत्या को लेकर जमकर आक्रोश नजर आया। मामला ऐसा था कि एक घनश्याम पाल जगह पे अतिक्रमण कर रहा था, उसी को लेकर बच्चा वहाँ गया हुआ था, वहाँ पे इसके ऊपर हमला हो गया। हमले में 4-5 लोग थे, उसमें सर पे डांट आट मारी, उसके बाद ये वहाँ पे गिर गया। जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया।